3:18 पे मेरी साइड से एक हो गई है जोनती साइड कुतुबगढ़ साइड, वहां से वापस घूम गया 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने, और फिर यहाँ से फिर कंदावला की साइड गई है, वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वापस यूटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। दिल्ली की सुल्तानपुरी की दर्दनाक एक्सीडेंट की जो चश्मदीद गवाह है दीपक, वो अब हमारे साथ जुड़ रहे। दीपक जी, पूरी घटना का विवरण दीजिए, कितने बजे आपको वो बलेनो कार दिखी इसी रास्ते पे, वो आप अगर हमारे दर्शकों तक थोड़ा समझाएं। मैम, सबसे पहले मैंने वो देखी 3:18 पे, मैंने शॉप खोली थी, मैं दूध का काम करता हूँ, उस टाइम मैं अपनी दूध की गाड़ी का वेट कर रहा था। दिखाइए कहाँ पे, तो अगर आप थोड़ा दिखा सकते हैं हमारे दर्शकों। अपनी ये दुकान है यहाँ, हाँ। मैं खड़ा था और गाड़ी थी यहाँ से 100 मीटर पीछे, ठीक है, वहाँ से आवाज जा रही थी कि जैसे टायर फटने की आवाजें होती है, उस प्रकार से मैं गाड़ी की तरफ लगा, मास्क टायर फट रहा हुआ शायद, हाँ। गाड़ी बिल्कुल सामने आने के बाद मेरे को पता चला इसके नीचे डेड बॉडी फंसी हुई है। और ये कितने बजे की घटना है दीपक जी? ये 3:18 की घटना है। और लगभग ये गाड़ी आप कह रहे हो कि एक बार गई फिर वापस आई, ये पूरी घटना के बीच का अंतर कितना होगा, कितने मिनट तक आपने उनको एटलीस्ट फॉलो किया? 3:18 पे मेरी साइड से एक हो गई है जोनती साइड कुतुबगढ़ साइड, वहाँ से वापस घूम गया 10 मिनट के अंदर फिर मेरी दुकान पे आई है, मतलब दुकान के सामने, और फिर यहाँ से फिर कंदावला की साइड गई है, वहाँ से तकरीबन 5-7 मिनट के बाद वहीं से वापस यूटर्न ले रहा है 2 किलोमीटर आगे से ही। तो करीबन 1 घंटा आपने फॉलो किया उनको? हाँ, 1 घंटा फॉलो किया मैम। फिर मैं वहाँ से फॉलो घूमने के बाद उसने फिर जोनती जगह फिर वो यूटर्न ले लिया, फिर उसके बाद वो बेगमपुर तक गया। मैं उसकी गाड़ी की स्पीड और गाड़ी की गति देख के आपको क्या लगता है, होश में थे वो लोग? उनको इतना तो समझ होगा कि एक डेड बॉडी फंस चुकी है, जब आप दूर में यहाँ पे खड़े होके आपको ये समझ आ गया कि गाड़ी में कुछ फंसी हुई है, गाड़ी चलाने वाले को ये समझ नहीं आया, आपको लगता है क्यों? इतने होश में तो होंगे वो लोग? मैम, होश में तो इतना जरूर होगा कि जो 12-14 किलोमीटर 15 किलोमीटर गाड़ी के नीचे डेड बॉडी फंसा के लेकर है, उसने इतना होश तो जरूर होगा। और मान लो अगर वो होश में नहीं थे तो जिस टाइम डेड बॉडी उससे गाड़ी से फ्री हो चुकी थी, डेड निकल के गिर गई थी साइड में, तो उसके बाद उसने एक चक्कर भी नहीं लगा, उससे पहले वो 4 चक्कर लगा रहे हैं यहाँ। तो आप कहीं ना कहीं कह रहे हो कि वो कोशिश कर रहे थे कि जो डेड बॉडी है वो गाड़ी से निकल जाए। मैडम जी, मैं एक आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अपने आप निकले गिर, कोशिश कर ही नहीं रहे। एक्सक्यूज मी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। हम गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और हमारी गाड़ी के नीचे अगर एक कुत्ता भी आ जाता है ना मैडम, तो वो हमें पता चल जाता है कि हमारी गाड़ी से कुछ टकराया है। एक एक चीज आपसे पूछेंगे कि पुलिस को आपने फोन करने में और पुलिस की टीम आने में कितनी रहेगी? आने में तो मैम अब मान लो 3 बजे से लेके अब क्या टाइम हो गया, 18 घंटे हो गए मैम। आने को तो पुलिस आई है नहीं है? नहीं नहीं, पीसीआर नहीं आई थी आपके पास? नहीं आई है अब तक, नहीं आई। 18 घंटे हो गए बताओ, और इससे ऊपर क्या बताएं आपको। 3 बजे पुलिस आपसे भी बातचीत नहीं की? बस फोन पे बात हुई। मैं फोन पे लगाता हूँ, टच में रहा हूँ मैं, बार बार उसकी लोकेशन अपनी और गाड़ी की उसकी लोकेशन देता रहा हूँ लगातार 1.5 घंटे से। 3:20 पहली कॉल है, 5 बजे आखिरी कॉल है मैम मेरी पुलिस से। तो डेड बॉडी जहाँ पे छूट गई है वहाँ तक आप गए थे? गाड़ी का नंबर है, गाड़ी का नंबर दे दिया था मैंने। गाड़ी तो जब्त हो गई, अरेस्ट भी हो गए हैं, लेकिन हो गया, लेकिन सवाल ये है कि जो लोग थे, आपको लगता है कि सिर्फ एक्सीडेंट लग रहा है? एक्सीडेंट लगने के बाद आप देख सकते हो मैम, एक्सीडेंट होता 20 किलोमीटर डेड बॉडी किसके थोड़ी जाएगी उसके साथ। एक्सीडेंट आज से पहले आपने रिपोर्टिंग की होगी, वहाँ देखे होंगे एक्सीडेंट, गाड़ी भी डैमेज होती। पीसीआर की कोई टीम आई थी? नहीं, पीसीआर की कोई टीम, कोई पुलिस आई थी? सिर्फ फोन पे बात हुई थी। ये भी चल रहा है पुलिस वाले होश में नहीं थे? हाँ, जो बेगमपुर वाला था वो बिल्कुल होश में नहीं था, बेगमपुर वाले आपके पास आए थे? मैं उनके पास पहुंचा था। आप बेगम? मैं उसके पीछे, गाड़ी के पीछे पीछे बेगमपुर तक गया हूँ। मैंने बेगमपुर जो पीसीआर मिली है वो बिल्कुल नशे में अफसर था, जो ड्राइवर था, और जो दूसरा अफसर लेटा हुआ था वो सो रहा था। आपने जब उनको इतनी बड़ी घटना पीसीआर को आपने बताई, तो उसके उसके बाद भी क्या रिएक्शन? उसके बाद उन्होंने एक बार तो गाड़ी रोड पे ले गए, फिर उन्हें कोशिश ही नहीं की पुलिस, उन्होंने कोशिश ही नहीं की उसके बाद। चलिए, बहुत बड़ी चीज जो दीपक जी हम तक पहुंचाए, सिर्फ ये नहीं कि जो गाड़ी इस रास्ते पे 2-3 बार चक्कर लगाई, इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जब रात को इस गाड़ी का पीछा करते करते वो बेगमपुर पहुंचे, वहां पे जो पीसीआर वैन थी, वहां की जो पुलिस थी वो होश में नहीं थे। उनका ये कहना है कि जो पीसीआर वैन के अंदर पुलिस थी वो होश में नहीं थे, वो इसमें इंटरेस्ट भी नहीं थे,
कि इस चीज को वो तुरंत एक्शन में ले। ये थी उन चश्मदीद की गवाह जिनके पीसीआर कॉल के बाद पुलिस एक्शन मोड में दिखे और काफी देर बाद उन्होंने उस गाड़ी को जब्त किया, उन पांच लोगों को गिरफ्तार की। लेकिन बहुत बड़ा सवाल कि कैसे एक गाड़ी में एक डेड बॉडी लग जाने के बाद किलोमीटर तक एक गाड़ी चलती रही और कोई भी पुलिस दिल्ली की सड़कों पे नहीं दिखी उस गाड़ी को रोकने के लिए। ये बहुत ही अहम सवाल है जो दिल्ली पुलिस को जवाब देना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ श्रेया चैटर्जी।